मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है हम कलवा में, और जिस तरह से भारत बंद का जो बहुजन क्रांति मोर्चा के तरफ से आह्वान किया गया था कि 29 जनवरी को भारत बंद रहेगा, लगभग भारत बंद का जो असर है वो देखा जा रहा है। जिस तरह से हमने आपको मुंब्रा शहर की तस्वीरें दिखाई थी कि मुंब्रा शहर के तमाम दुकान जो बंद हैं और ऑटो रिक्शा जो है वो भी लोग बंद कराए हैं, लेकिन इस समय जो है हम कलवा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जो कलवा में जो है किसी भी तरह का जो है बंद का कुछ असर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सभी दुकानें जो है यहाँ पर खुली है, और किसी भी चीज़ की जो अगर हम ऑटो रिक्शा की बात करें तो लगभग ऑटो रिक्शा भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है चल रहे हैं, और दुकानें भी जो है यहाँ पर खुली हुई हैं। किसी भी तरह का जो है बंद का असर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो बंद यहाँ पर किया गया था, जो बंद का ऐलान किया गया था वो बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से जो है बंद का ऐलान किया गया था, हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी और वामन मेश्राम की तरफ से जो है ये NRC CAA EVM हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, DNA के आधार पर NRC लागू हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है इस 29 जनवरी को जो है बंद का जो है ऐलान किया गया था। लेकिन देश भर से जो है बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कलवा में मौजूद है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं और जो ऑटो रिक्शा हैं वो भी यहाँ पर जो है चल रहे हैं। किसी भी तरह से जो है अगर भारत बंद कहा जाए तो भारत बंद का असर जो है यहाँ पर देखा नहीं, भारत बंद का असर जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से जो है यहाँ पर सामान्य रूप से दुकानें खुली हुई हैं, ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, यानी किसी भी तरह का जो है कलवा की अगर हम बात करें तो बंद जो है यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, कलवा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।